हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है कंसेप्ट ऑफ फील्ड। ठीक है, उसमें हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि फील्ड जो है वो टर्म दिया क्यों जाता है और उसका क्या एस्पेक्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग वो शुरू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि अच्छे से अच्छे और वीडियो मैं बना सकूं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फील्ड। फील्ड का क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ फील्ड। ठीक है, तो फील्ड के कंसेप्ट में पहली चीज आती है कि कोई एक सोर्स होना चाहिए। मान लो हमारे पास एक चार्ज है जिसका नाम है प्लस क्यू। ठीक है, अब ये चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास अपना एक इफेक्ट डालता है, इसके आसपास के एरिया पे अपना एक इफेक्ट डालेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे सोर्स चार्ज। ठीक है, इसके जस्ट बगल में ये इफेक्ट है, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक और चार्ज होना चाहिए विच इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। तो हम लोग एक थोड़ी सी दूरी पे, मान लो पॉइंट पी है, यहां पे एक चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, जो कि हमारा क्या है, एक तरह का टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर क्या करेगा, अपना एक इफेक्ट डालेगा। ठीक है, वो कैसा इफेक्ट होगा, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं दिस इज योर ओ, और यहां से यहां का डिस्टेंस हमारा क्या है, आर है। आर एक पोजीशन वेक्टर जैसे कि आपको पता ही है, तो इसके ऊपर जो इफेक्ट डालेगा एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जैसे एक तरह का फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे एक तरह का ये फील्ड डालेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन ई होगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके एनवायरमेंट में बनी है, ठीक है, इस चार्ज को हम लोग सोर्स चार्ज मान रहे हैं, ये अपने आसपास क्या है, तरह का ऐसा एनवायरमेंट बना लेगा जहां पे उसका असर दिखाई देगा, तो उसको हम लोग फील्ड कहेंगे। पर उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कोई दूसरा चार्ज होना भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक तरह का टेस्ट चार्ज लिया है, मतलब जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा गया है। तो इसका ना कोई, ये ऑलमोस्ट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसका चार्ज जो है बहुत ही कम है, वेरी स्मॉल चार्ज, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो इफेक्ट आएगा उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, एक तरह का फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू इज क्या प्रोड्यूस करेगा, तो E और यहां पे R जो है वो पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोजीशन पे डिपेंड करेगी, तो उसका रिलेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² और क्योंकि ये पूरा रेडियल सरफेस है तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लेंगे, R कैप, वेयर R इज अ यूनिट वेक्टर। R क्या है, एक तरह का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जिसकी यूनिट कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, सॉरी आर कैप इज इक्वल टू R/r मैग्नीट्यूड में, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू पोजिशन वेक्टर R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r³, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे क्या फील्ड जनरेट होती है, उसका फॉर्मूला ये है। ऐसा, अब दूसरी चीज पे आते हैं हम लोग। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है कि जो सोर्स चार्ज है ये क्या करेगा, एक तरह का कूलम्बियन फोर्स भी लगाएगा, किसके ऊपर, किसके हिसाब से, टेस्ट चार्ज के हिसाब से। तो कूलम्बियन फोर्स क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग वो भी लिख लेते हैं। आप कूलम्बियन फोर्स जो होगा हमारा वो यहां पे आ जाएगा, फोर्स बिटवीन बिटवीन टू चार्जेस है ना, तो ये दो चार्ज है क्यू एंड क्यू विद पोजीशन ओपी, जो डिस्टेंस है इनके बीच में, वो पी है हमारा, ये ओ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग आर लेते हैं तो पी इज इक्वल टू आर।
तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर और यहां पे आर क्या है ना, तो हमारा ये कूलम्बियन फोर्स बनके तैयार हो गया ड्यू टू सोर्स चार्ज Q, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज Q ऑन स्मॉल Q, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये वाला जो टेस्ट चार्ज है ये भी फोर्स लगाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो ये भी क्या एक तरह का टेस्ट चार्ज जो है वो फोर्स लगाएगा, हाँ बिल्कुल लगाएगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहां पे फोर्स अप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज क्यू इज क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ई आर, मतलब वो जो फोर्स है वो कहां से जनरेट होगा, फोर्स कहां से जनरेट होगा, विद मल्टीपल ऑफ टेस्ट चार्ज को हम लोग उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो जो टेस्ट चार्ज है वो भी एक तरह का फोर्स जनरेट करेगा, समझ में। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा किसका आया, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का कंसेप्ट आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सम नोटवर्दी पॉइंट्स, सो व्हाट आर सम नोटवर्दी पॉइंट्स, सो सम नोटवर्दी पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को हमको नोट करना है। तो क्या है पहला, ए हमने भी फोर्स निकाला ना, इफ एफ इज इक्वल टू क्यू ई आर तो यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकाल सकते हैं, कैसे, देन ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू है ना, तो एसआई यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, ये फोर्स है और ये चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है ये इसका यूनिट हो जाएगा। दूसरी चीज, इफ चार्ज इज यूनिटी, यानी टेस्ट चार्ज जो है क्यू उसको अगर हम लोग यूनिटी लेते हैं, यूनिटी मतलब सिंगल, क्यू इज इक्वल टू वन कूलम मान के चलते हैं, देन फोर्स जो जनरेट हुआ वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, मतलब ये जो फोर्स जनरेट हुआ वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, दस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज क्यू एंड इज डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो, डिपेंडेंट ऑन पोजीशन वेक्टर आर, समझ में। तो ये दूसरी चीज हो गई हमारी। अच्छा इसमें ही अगर हम लोग यूनिटी ले लेते हैं तो इफ क्यू इज स्मॉल, क्यू की वैल्यू छोटी है तो देन रिलेवेंट फोर्स जनरेटेड ड्यू टू इट इज ऑल्सो स्मॉल, है ना, जब चार्ज ही छोटा है तो उससे जनरेट होना फोर्स भी छोटा होगा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि उसका कंसेप्ट ही गायब हो जाए, तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करनी है तो हम लोग को ऐसा करना है कि इनका रेशियो जो है वो कम से कम फाइनाइट रहे, ठीक है, देन ई ऑफ आर इस पे लिमिट लगा देना है, क्या लिमिट, कि ये जीरो की तरफ जाएगा पर जीरो नहीं होगा, सच दैट एफ बाय क्यू इज फाइनाइट, क्या हो जाए, ये इसकी वैल्यू ऐसी आ जाए कि ये वैल्यू फाइनाइट रहे, समझ में आए। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा वहां पे ये सी कंसेप्ट है। डी, अब डी में क्या आता है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो चार्ज है वो बेसिकली किसके ऊपर है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली
पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो वो चार से मेरे को देना है, E is electric field is independent of charge Q, है ना। तो E जो है वो किसके वो इंडिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, पोजीशंस पे, क्योंकि हमने पहले देख लिया क्या, हमने फॉर्मूला जब देखा तो उसमें 1 अपॉन r2, तो r2 के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज E फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो कैसे मूव करेगा, रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ जाएगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड्स। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, कहां जाएगा वो, बाहर की तरफ। कैसे करेंगे वो, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं यहां पे, अगर ये मेरा चार्ज प्लस क्यू है तो हमेशा ये बाहर की तरफ जाएगा, होगा। और अगर इसका जस्ट उल्टा है, चार्ज नेगेटिव है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा अंदर की तरफ जाएगा। तो ये सब चीज समझना है। एक लास्ट भी इसमें वो क्या है, तो वो चीज है इस पे ही एंडिंग पॉइंट है उसमें भी, तो वो भी देख लेते हैं। वो है ऐसा कि अगर कोई एक सोर्स चार्ज है तो उसके हर एक इक्वल रेडियस पे जो चार्ज का इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग वो कंसेप्ट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली सिमेट्रिक, रेडियली और स्पेरिकली, स्पेरिकली सिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है। ये यहां पे सिमेट्रिक इन नेचर, ये चीज आपको समझ लेनी है, क्लियर। तो ये जो कंसेप्ट है वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इतना चीज आपको टॉपिक में समझ लेना है। आगे फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक स्टेप और आगे जाते हैं और पढ़ते हैं कि आप कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। वो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर, तो वो टॉपिक भी देख लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो हमारे पास अगर चार्ज है, लेट अस टेक चार्जेस, बहुत सारे चार्ज ले लेते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड देयर पोजीशन वेक्टर, उनका पोजीशन वेक्टर एंड देयर पोजीशंस एज R1, R2, R3, R4 डैश 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 फ्रॉम ओरिजिन, कोई ओरिजिन ले लेंगे वहां से। तो हम लोग ले लेते हैं एक, तो मान लो हमारे पास एक कंसेप्ट है यहाँ पे, यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं Q1, यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं Q2, यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं Q3, यहाँ पे कोई एक चार्ज लेते हैं Q4, और इसका इन सब का असर पॉइंट P पे क्या पड़ता है, ठीक है। और ये सबके बाहर हमारा एक तरह का ओरिजिन है, ठीक है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस हम लोग पूछ लेते हैं, ये Q1 है इसलिए इसका डिस्टेंस R1P, इसका डिस्टेंस R3P, इसका R4P, इसका R2P। तो क्योंकि ये चार्ज है तो इसका इफेक्ट भी दिखाई देगा इस पॉइंट पे, ये फील्ड जनरेट करेगा, तो फील्ड जनरेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लोग को इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहां है ना, ये हो गया आपका E1, इसका कुछ यहां है तो ये हो गया आपका E2, इसका R3 का कुछ यहां है तो ये हो गया E3, और इसका यहां है तो ये हो गया हमारा कुछ E4। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली हम लोग को याद करना है लॉ ऑफ
पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन उसके हिसाब से हम उसको करेंगे। तो पहले e1 e2 पे ध्यान, तो e1 ये इधर जा रहा है तो इसके जैसा ही हमें क्या बनाना है, ऐसा ही बना लेना है, ये भी दोनों बराबर होने चाहिए। ये हमारा हो गया क्या e1 है ना, और इसके जैसा ही हमें एक तरफ बनाना है क्या e2, ठीक है। अब जहां पे ये दोनों मिलते हैं वहां से एक पोजीशन लेनी है और इसको नाम दे देना है e प्राइम, क्या नाम देना है e प्राइम, समझ में। अब तो हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया e प्राइम, अब हम क्या करेंगे e3 पे जाएंगे, तो e3 ये रहा, तो e3 हमारा ये रहा, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ये हमारा ऐसा है, ये हमारा e3 है, और ये जो e प्राइम आया उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे e प्राइम, तो हमारा ये है e प्राइम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आया, ये आया। आपकी बुक में थोड़ा सा अलग होगा लेकिन इनडायरेक्टली कंसेप्ट जो समझना है वो यही है, ठीक है। तो हमारा ये आया e डबल प्राइम, इसका हम लोग नाम दे देते हैं e डबल प्राइम। ये किससे बना, e प्राइम से और e3 से। अब आता है e4, तो e4 की लाइन ये है, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो e4, ये हमारा हो गया e4, और इसकी एक लाइन आई है रिजल्टेंट, वो कैसी है, ऐसी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया e डबल प्राइम। तो इसका रिजल्टेंट कहां बनेगा, कुछ यहां पे है कि नहीं, ये हमारा हो गया e ट्रिपल प्राइम, समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक के लिए निकालने की जरूरत है, लेकिन हम लोग दो तीन को लेकर के फिर एंड टर्म्स के लिए उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q1 एट पॉइंट पी है ना विद पोजीशन, क्या हो जाएगी पोजीशन r1p, तो क्या बनेगा हमारा e1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा k q1 r1p का स्क्वायर r1p मैग्नीट्यूड, समझ में। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे सबके लिए निकालेंगे, तो e2 के लिए क्या हो जाएगा k q2 r2p r2p का मैग्नीट्यूड, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी। तो ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस के लिए करने जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो e डैश डैश लेकर के en kqn डिवाइडेड बाय rnp है ना, क्योंकि 2-3 ऐसे लेते जा रहे, तो हमारा क्या बन जाएगा rnp का मॉड। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E1 plus E2 E3 dash 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 EN। तो हमारा टोटल जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब देखो इन सब में कॉमन क्या है, तो K K K K कॉमन है तो K बाहर ले लेंगे। दूसरी चीज, अब सब में Q1 Q2 Q3 है और इस घर भी R1 है R2 है R3 है, तो मतलब ये तो चेंज होने चाहिए, तो ये इन सब और सबका समेशन लेना है, तो समेशन कहां से, आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक, ठीक है। और क्या चेंज हो रहा है, तो क्यू आई और दूसरा क्या है r i p, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और r i p का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ या मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्लियर है पूरा। तो ये जो थियरी है आपको इस तरह से कंप्लीट कर देनी है, कम समझ में आया इसमें, कुछ भी डाउट है तो फिर कमेंट्स में लिख देना तो समझ लेंगे हम लोग, आपको कितना क्लियर होगा। आगे हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या है हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, कहां काम आता है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांसेप्ट तो फोर्स से भी जनरेट हो सकता है, तो हमें ये क्या फील्ड पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, फोर्स से तो काम हो जाता है, फोर्स और फील्ड ज्यादा होगा कोई असर पड़ नहीं रहा है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये भी, तो क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ना पड़ता है इसको,
ठीक है। तो इसको पढ़ क्यों रहे हम लोग, पहली चीज तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना। क्यों, उससे तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एंड डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो, पोजीशन वेक्टर आर, क्लियर, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज क्या है, देखो अगर हम लोग स्टैटिक चार्ज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पढ़ रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अगर नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चार्जेस इन मोशन पढ़ेंगे तो चार्जेस इन मोशन के लिए क्या हो जाएगा, जब दो चार्ज मूव कर रहे हैं, खास करके अगर कोई एक चार्ज स्पीड ऑफ लाइट पे मूव कर रहा है, दूसरा चार्ज उसके रिलेशन में मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे, और लगाएंगे तो क्या होगा, देयर आर चांसेस दैट कि ये दोनों जो चार्ज है वो एक दूसरे के कंपेयर में एक आगे मूव करता दिखाई देगा, एक आगे पीछे, तो टाइम डिले का प्रॉब्लम आता है ना। तो वो इन इलेक्ट्रोस्टेट्स कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस रिलेवेंट, है ना, बट फॉर चार्जेस इन मोशन, कहां पढ़ते हैं चार्जेस इन मोशन को हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, है ना, बट फॉर चार्जेस इन मोशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टू चार्जेस, मान लो Q1 है और Q2 है, दोनों चार्ज क्या करेंगे, विल हैव इफेक्ट एंड कॉज, यानी कॉज एंड इफेक्ट ऑन ईच अदर, रिजल्टिंग इन टाइम। तो हम लोग को एक चार्ज जो है स्लो जाता हुआ दिखाई देगा, एक फास्ट जाता दिखाई देगा, इसका इफेक्ट क्या है, तो इसका रीजन सिंपल यही है कि दोनों जो चार्जेस हैं वो बेसिकली आप एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और उसकी वजह से इफेक्ट क्या दिखाई देगा कि एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज के मुकाबले स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इफेक्ट है। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी जो आपने बुक में दिया होगा वो आप बुक से एग्जैक्टली देख सकते हो टोटल पूरा, लेकिन मैंने ओवरऑल खत्म कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी चार्ज के सोर्स के पास, है ना, जो भी चार्ज का सोर्स होता है उसके आसपास जो है वो क्या हमें देखने को मिलता है, इफेक्ट, है ना, फील्ड लाइन्स का इफेक्ट। तो वो कंसेप्ट लोग पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो क्या है, तो जो चार्ज होता है, मतलब एक चार्ज है प्लस क्यू, इसके आसपास जितना चार्ज के पास रहेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो हम लोग पहला चीज लिखते हैं, नियर द सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डेंस, है ना, क्यों, क्योंकि जितना चार्ज के पास होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बहुत ज्यादा डेंस होंगी, घनी होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नियर द सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डेंस, व्हाइल स्पार्स इन केस अवे फ्रॉम सोर्स, सो हमारे पास यहां पे एक कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज डेंसिटी, है ना। सो डेंसिटी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी। तो डेंसिटी यहां पे हम टोटल डेंसिटी की बजाय, इंस्टेड ऑफ टोटल डेंसिटी, इंस्टेड ऑफ टोटल डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी प्लेस मेजर रोल इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फाइंड करने के लिए हमारे पास
क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का कांसेप्ट होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी मतलब दो अलग अलग एरियाज को हम लोग कंपेयर करेंगे और वहां पे चेक करेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो है वो कितने ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग ये चीजों को ध्यान देंगे। तो देखते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में 11th क्लास में सॉलिड एंगल। तो कोई भी जो फील्ड लाइंस है, मान लो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, तो वहां से निकलने वाले बहुत सारे फील्ड जो है वो, ये हमारे पास अलग अलग फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो यहां से अलग अलग चार्जेस निकल रहे हैं। अच्छा, अब ये चार्ज ओ से हम दो पॉइंट्स क्या करेंगे, ले लेंगे। तो मान लो हमारे पास ये दो पॉइंट्स, इसका एरिया हम लोग ले लेते हैं, इसका नाम पी वन है और जो बाहर वाला है उसका नाम हम लोग लेते हैं पी टू, ठीक है। तो दोनों का जो सरफेस एरिया है वो अलग अलग होगा। क्यों? इसका सरफेस एरिया होगा एस वन, इसका सरफेस एरिया होगा एस टू, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान देना। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, तो प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हमेशा क्या होगा, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है पर यूनिट एरिया वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उसके मुकाबले एरिया जो होगा छोटा होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को, इनका रेशियो जो होगा बराबर होगा। सिमिलरली यहां पे जो एरिया है, एरिया ज्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है, तो उनका भी रेशियो जो है वो बराबर होगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो कांसेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी का, वो इसी बेसिस पे काम करता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो हमारा ये सरफेस एंगल क्या आ रहा है, इसके लिए ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा, है ना, और इस वाले सरफेस के लिए भी डेल्टा ओमेगा ही होगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया फॉर सरफेस P1 सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर N1 डिवाइडेड बाय हमारा पास जो इसका रेडियस है, मतलब हमारे पास P1 के लिए रेडियस है R1 और P2 के लिए रेडियस है R2, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग रेडियस है हमारे पास, तो वो हो जाएगा R1 का स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, और P2 के लिए हो जाएगा P2, तो N2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेल्टा ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, N1 N2 की वैल्यूज के अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो रेशियो हमेशा क्या होगा, ये जो पूरा रेशियो है इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो रेशियो ऑफ देम इज कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये जो कांसेप्ट है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिलेटेड है। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड, तो वो भी ध्यान देते हैं थोड़ा बहुत। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस इजी है, वो भी देख लेते हैं वो भी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पहला क्या होगा, देखो अगर कोई चार्ज है तो हमेशा वो रेडियली आउटवर्ड मूव करेगा फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रेडियली आउटवर्ड्स, है ना। दूसरा, फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड्स, है ना। तो कैसे मतलब इसका, तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पहले पॉजिटिव ले लेते, तो हमेशा ये बाहर की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। कंसेप्ट हो गया हमारा दूसरा। सो इट सेज दैट हमारे पास जो दूसरा चार्ज है वो क्या करेंगे, इसी बेसिस पे काम करेंगे। तो हमारे पास दूसरी जो चीजें हैं वो क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। कहां से स्टार्ट करती है वो? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करती है। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव करेगी, ठीक है, और बाहर वाले जो है, बाकी जो है वो ऐसे जाएंगे बाहर की तरफ, और यहां वाले जो है वो अंदर की तरफ आते दिखाई देंगे। क्लियर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए ऐसे आएंगे। नेक्स्ट सी, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगे तो बेसिकली क्रॉस करना मतलब टेंजेंट बनना, और क्या करेगा, टेंजेंट बनेगा तो वो क्या बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। टेंजेंशियल टू द अप्रोच क्या हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि यहाँ पे कंसेप्ट, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, कभी क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ स्लोप, और स्लोप बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसेप्ट आएगा। डी, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाते। क्यों क्लोज लूप नहीं बनाते, क्योंकि अगर क्लोज लूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होगा वो सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो उस केस में इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर का जो फैक्टर है वो यहाँ पे लागू हो जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं होगा। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप एज दे फॉलो as they are conservative in nature. ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है इतना चीजें करनी है। तो हमारे यहां तक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का खत्म कर दिया। आगे हम चलते हैं गॉस लॉ पढ़ेंगे, और आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि गॉस लॉ के क्या इफेक्ट है और कहां कहां यूज कर सकते हैं, क्या इससे इजीली कुछ चीजें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके क्या हम लोग कोई और आसान तरीका भी निकाल सकते हैं कि हम लोग किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट निकाल लें, ये सब इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो वो जो पढ़ने के लिए हमें गॉस लॉ पढ़ना पड़ेगा, और गॉस लॉ से आगे हम लोग उससे कुछ रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी चीज़ों के लिए हम लोग फिर आगे क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लेना, और ट्राई टू, अगर कोई डाउट है तो फिर मैं कमेंट्स में लिख देना, तो हम लोग वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि और अच्छे वीडियोज़ बनाते रहूँ। थैंक यू।